नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। आज मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों प्याज की बात करेंगे। तो प्याज जो है दोस्तों श्रीलंका और बांग्लादेश को जो भारतीय प्याज है वो निर्यात में काफ़ी बाधित हो रहा है, यानी कि श्रीलंका में मौजूदा जो वित्तीय संकट है और आयातित प्याज पर कर लगाने के अलावा स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के कारण श्रीलंका और बांग्लादेश को प्याज का निर्यात धीमा हो चुका है भारत से। बांग्लादेश भारत से प्याज का सबसे बड़ा आयातक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर श्रीलंका है। तो देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक क्षेत्र नासिक के निर्यातकों का दावा है कि भुगतान में देरी के कारण श्रीलंका को निर्यात कम हुआ है। आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी और नियमित रूप से ब्लैकआउट के साथ 1948 में स्वतंत्रता के बाद से यह द्वीप राष्ट्र अपने सबसे दर्दनाक आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका है, जिसके कारण दोस्तों निर्यातकों ने कहा कि श्रीलंका और बांग्लादेश को कुल निर्यात 4000 से 5000 टन प्रति सप्ताह से घट करके 1500 प्रति टन सप्ताह हो गया है। इसी बीच बांग्लादेश प्याज की स्थानीय खेती को प्रोत्साहित कर रहा है और उसने लगभग 2.80% प्रति किलोग्राम का आयात कर भी लगाया है, जिससे भारत सरकार द्वारा बार बार निर्यात प्रतिबंध लगाने के बाद स्थानीय बांग्लादेश के बाजारों में प्याज की कीमतों में वृद्धि के बाद यह कदम उठाया गया था। तो बांग्लादेश को हर साल 0.8 से 1 मिलियन टन प्याज आयात करने की आवश्यकता होती है, जिसमें से अधिकांश भारत से प्याज आयात किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों नेफेड द्वारा जो प्याज की खरीद शुरू की गई है उस पर भी बात करेंगे। इसके लिए दोस्तों भारत सरकार ने बम्पर स्टॉक बनाने के लिए प्याज खरीदना शुरू भी कर दिया है और संघीय सरकार ने साल में बाद में कीमतों में किसी भी तेजी वृद्धि से निपटने के लिए बम्पर स्टॉक बनाने के लिए अपनी एजेंसी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी नेफेड के माध्यम से नासिक से प्याज खरीदना शुरू कर दिया है। तो सरकार ने इस साल 2 लाख टन से अधिक प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अधिकांश नासिक से आएगा। और अधिकारियों ने कहा कि लगभग 90% जो प्याज है वो महाराष्ट्र में थोक बाज़ारों और किसान उत्पादक कंपनियों से खरीदा जाएगा और शेष जो 10% प्याज है वो मध्य प्रदेश और अन्य प्याज उत्पादक राज्यों से खरीदा जाएगा। तो दोस्तों नेफेड ने भी बम्पर स्टॉक बनाना प्रारंभ कर दिया गया है, क्योंकि जब प्याज की कमी रहती है उस समय प्याज में बहुत ही भयंकर तेजी आती है। उस समय ये सरकार का प्रयास रहता है कि उस समय प्याज के भाव में गिरावट दर्ज की जाए, जिसके कारण नेफेड प्याज प्रतिवर्ष एकत्र करता है और बम्पर स्टॉक करता है। और जिस समय प्याज में एकदम से तेजी भयंकर तेजी आती है उस समय नेफेड मार्केट में प्याज निकाल करके प्याज के भाव को डाउन करता है। तो दोस्तों ये अभी नेफेड द्वारा भी प्याज का खरीद स्टार्ट कर लिया गया है और प्याज का स्टॉक किया जा रहा है। तो दोस्तों वर्तमान समय में थोड़ी सी आपको नेफेड जब आप प्याज स्टॉक करना शुरुआत कर दी है तो हल्की सी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। और कल भी आपने देखा था कि प्याज में थोड़ी सी तेज़ी 150 से 200 रुपये प्रति क्विंटल की बनी थी, तो अब आगे आने वाले दिनों में भी थोड़ी बहुत तेज़ी हो सकती है। तो प्याज 15 से 18 रुपये प्रति किलोग्राम जाने की संभावनाएँ लग रही हैं।